अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं अज अपने इलाके के मशहूर मरूफ फार्मर ने साडे हाजी रमज़ान चौहान साहब उन्होंने फार्म से आया जी, जिहड़ा बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उन्हों का मैं बाग तुम दिखाना चाहवागा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इस टाइम उन्हों की कंडीशन जा रही है। फ्रूटिंग जी वो इस साल ओवरऑल ही बहुत कम है, लेकिन मैं हाजी साहब के फार्म से आण के हैरान हाँ कि इतने इन्ना फल किस तरह आया और किस तरह टिकया होया। तो ये हूँ सारा तुम मैं करीब करके दिखाना जी, एक एक बूटा के एक पौधा नहीं भी एक पौधे दिखा रहे हैं तो उदे ती वीडियो बन रही है। ये देखो बेच सारे फल लगा जी। और सारा फल तकरीबन जड़ा ना बेच घेरे का ज़्यादा लगा हुआ इन्हों का, और एक शायद और ये चीज़ देखो ये जड़े फार्मर हजरात साढ़े खासकर सिट्रस के ने उन्होंने मैं एक चीज़ दिखाना चाहवागा कि बिल्कुल साफ किसी किस्म का जड़ा ना ये दाग ही नहीं है। आती है ना जी सिट्रस कैप आता है या थ्रिप्स की इनिशियल स्टेज पर आ के जी ए खुरदरा जहा हो जाता है, उस तरह की कंडीशन भी बहुत ही घट देखने मिली है। तो आओ हूँ तुम मैं हाई से रमज़ान साहब ना मिलाना जी, उन्होंने व्यू लैने उन्होंने किस तरह किया है वो सारी अपनी सूरत हाल दसणगे जी। माशाल्लाह देखो जी फल अखीर फल है जी। फल चमकदार किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, अगर बीमारी आई है तो यह देखो जी अल्लाह के सिपाही भी आए हुए हैं जी। ए कीड़ा देखो एक कीड़ा इसन सिट्रसिला खा रहा है, इतने कोई स्प्रे नहीं की गई ना कोई खाद पाई जा रही है। देखो जड़ी बूटियाँ सब आ रही ने किसी किस्म का कोई कैमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये जी अपने हाजी रमज़ान साहब है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? सलाम हाँ जाहिद बेटा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। हाजी साहब इधर हम अपना सारी कारगुजारी सुनाओ सानू भी तुम इस बाग नाल की किया और पहले की कंडीशन थी तो हूँ की कंडीशन? माशाल्लाह जी अल्लाह के फजलो करम और मेरे प्यारे उस्ताद डॉक्टर मुहम्मद आसिफ शरीफ उन्होंने मैं सलाम कहना जी और ढेरा मन दुआवा भी उन्होंने देना जी, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी सानू गाइडलाइन भी दिती। फिर उसनु मैं इस टेक्नोलॉजी ने अप्लाई किया जी पिछले साल लास्ट ईयर मई 2021 हूँ ये जड़ा ना जी एक महीना तो एक साल दो चार महीने हो गए मान इस टेक्नोलॉजी ने। कोई खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं और कोई ये हल वगैरह नहीं चलाया, बिल्कुल नजर आ रहा है, खुरदार है। माशाल्लाह ये सारी जड़िया ना माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है। तो सब तो वड्डी रहमत यह हुई है कि जी इस दफ़ा शेडिंग हो गई सी, मैनू भी काफ़ी वैस मैसेज भी मिलते रहते, फोन पर भी गल होती रही थी। साढ़े अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि शेडिंग जरूर हुई सी, लेकिन बाद फल इतना ही निकल आया कि अल्लाह के फजल करम हर पौधे की बर्दाश्त के मुताबिक आया और कोई पौधे तो कोई जी ना फल दे निशान नहीं है, किसी पत्ते तो कोई निशान नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह की बहुत बहुत करम नवाजी है और अल्लाह की बहुत ही रहमत करोड़ रहमत ने जबरदस्त मल्च किया है जी। सारा हाई साहब खुद मैनू दिखा रहे ने, यह देखो माशाल्लाह जी अल्लाह की फौज, तुसी गिनती नहीं कर सकते जी, ये अगो लै लो ये गिनती नहीं कर सकते जी। माशाल्लाह ये डीकंपोजर माशाल्लाह जी पराली नू किस तरह डीकंपोज करके खाद का काम कर रहे ने और यही खाद बनेगी साडा जेड़ा कोई बहुत ज़्यादा। ये मल्च इतनी एक जरूर होनी चाहिए है कि ये 4 इंच की मोटाई दी सी हुण इन्नी बची हुई है गल सड़ के भी जदों देखो ना जी ये बरीक हिस्सा तुसी ये देखो ये सारा हुण ये डीकंपोज हो रही सारी पराली जी। माशाल्लाह जी अल्लाह पाक बरकत पाए जी। वालेकुम जी चौहान सिट्रस ऑर्गेनिक फार्म तो मैं एक और चीज़ शेयर करना चाह रहा। अचानक मेरी चीज़ पर नज़र पई, चौहान साहब शायद मैं दसना भुल गए जां दसना चाह रहे सन लेकिन मैं खुद ही ऑब्जर्व कर ली कि आ दरम्यान च उन्होंने एक साइड तो मल्च पिया होया एक साइड तो कोई नहीं मल्च पिया होया। तो मैं ये वट है तो एक लहदा लहदा बाग क्यों की मसला इतने तो ये उन्होंने दसाया भी ये साढ़े हमसाया का फार्म है, यह दरम्यान से वट है जिते मैं खड़ा जी। तो ये नाल ही अपना चौहान साहब खड़े ने इन्हों का बाग है जी ये जिसे उन्होंने पिकनिक ऑर्गेनिक चले गए ने सेम डेट से सेम जो कट्ठा इन्होंने सारा बाग जोड़ा ना ये हमसाए ने भी कट्ठा इको दिन से लगया हुआ जी। ये खादा स्प्रेवें तो बाग खड़ा और ये चौहान साहब का जोड़ा ये सारा पिकनिक जी पिकनिक ऑर्गेनिक जी
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ, ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਕਬਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੇ ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਮਲਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਡ ਮਲਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਕਈ ਦਾ ਮਲਚ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਲਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70 ML ਦੇ ਕਰੀਬ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਤਵਾਤਰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ